आज की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह घाट में और इस घाट के साथ साथ हम प्रेमनगर घाट के भी दर्शन करने वाले हैं क्योंकि ये घाट दोनों आसपास ही हैं। तो इन दोनों घाट के आज हम सुंदर दर्शन करने वाले हैं। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर से करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर से करें। तो आइए करते हैं इस सुंदर घाट के दर्शन और इसके बाद करेंगे प्रेमनगर घाट के दर्शन। घाट के तो मैंने आपको सुंदर दर्शन करा ही दिए हैं, अब इससे अगले वाले घाट पर चलते हैं और करते हैं वहां के भी दर्शन। ये देखो कितना विशाल बरगद का पेड़ है, देखिए लटाई किस तरीके से लटकी हुई है, देखिए कितनी मोटी मोटी घनी घनी, अद्भुत दर्शन है। चौधरी चरण सिंह घाट से आगे कौन सा घाट पड़ता है वो ठीक से मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि शायद अगला वाला घाट भी चौधरी चरण सिंह घाट होगा। यह खन्ना नगर क्षेत्र है, यहाँ पर खन्ना नगर क्षेत्र नाम होने के कारण इस घाट का नाम खन्ना नगर घाट रखा गया होगा। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा खन्ना नगर क्षेत्र है और इसकी मेन एंट्री इधर से ही होती है और प्लस इसकी एंट्री तो चौधरी चरण सिंह जो मैंने आपको घाट दिखाया तो वहाँ से भी इसकी एंट्री है। तो दो एंट्री है इस घाट तक पहुँचने की। इसी घाट से जो है जुड़ा हुआ प्रेमनगर घाट भी है, तो इसके बाद जो है वहाँ पर दर्शन करने चलेंगे। तो अभी आप करिएगा इस सुंदर घाट के दर्शन। तो आइए चलते हैं इससे अगले वाले घाट के दर्शन के लिए। आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, देखिए खन्ना नगर घाट, इस घाट के दर्शन कर सकते हो। देखिए इस घाट के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये महादेव जी का मंदिर है। तो आइए करते हैं महादेव जी के दर्शन। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो हमने इस घाट के तो सुंदर दर्शन कर ही लिए हैं और साथ ही साथ महादेव जी के भी दर्शन कर ही लिए हैं। तो अब चलते हैं इससे अगले घाट पर, जिस घाट का नाम है प्रेमनगर घाट। ये आप
यहाँ का सुंदर नज़ारा देख ही सकते हो सामने का, कितना सुंदर नज़ारा है। और इस ओर माँ गंगे मैया, लेकिन इस झाड़ फूस ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको जो है उधर के दर्शन नहीं करा सकता। देखिए यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, इतना तो पेड़ बड़े बड़े हो रहे हैं यहाँ पर। इस घाट में जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो मेरे पीछे जो ये आप गेट देख रहे हैं, ये उसी आश्रम का गेट है जिस आश्रम के मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले दर्शन कराए थे, जिस आश्रम का नाम था प्रेमनगर आश्रम। तो उसके मैंने आपको दर्शन कराए थे, तो जिसने भी वह वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, तो वीडियो आप चेकआउट जरूर से कर लेना। इस आश्रम के जो है मैंने पीछे की तरफ आपको दर्शन नहीं कराए थे, तो आइए करते हैं वहाँ के दर्शन। और एक पंच पल्लव यहाँ पर एक वृक्ष है, उसके भी दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर ये आश्रम बना हुआ है, देखिए इस आश्रम की सुंदरता जो है बहुत अच्छी है। ये जो आप सामने वृक्ष देख रहे हैं ये है, यही है वह पंच पल्लव जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा था। तो आइए चलते हैं अंदर, और अंदर चल के जो है दर्शन करते हैं। वट यानी बरगद का पेड़, अश्वस्थ यानी कि पीपल का पेड़, प्लक्ष यानी कि पाकर का पेड़, और चौथा है आम्र, आम्र मतलब आम का पेड़, और पांचवा है उदुम्बर यानी कि गुलर का पेड़। तो ये पांच पेड़ जब एक जगह पर होते हैं तो इसको पंच पल्लव कहा गया, तो इसीलिए इसका नाम पंच पल्लव रखा गया। बाकी आप यहाँ के सुंदर दर्शन कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ के दृश्य हैं। तो आइए अंदर भी करते हैं दर्शन चल के। अंदर महादेव जी का मंदिर है, ओम श्री गणेश। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो हमने पंच पल्लव वृक्ष के भी दर्शन कर लिए हैं, और चलिए चलते हैं बाहर की ओर, और आगे भी घाट है तो उस घाट के भी जो है दर्शन करेंगे। तो जो प्रेमनगर घाट है वो यहीं तक ही है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है प्रेमनगर घाट लगता है उस साइड से जहाँ पर ये आप वृक्ष देख रहे हो। इस घाट का नाम श्री हंस पावन घाट भी है, प्रेमनगर घाट का। तो ज़्यादातर यहाँ पर लोकल लोग जो है प्रेमनगर घाट के नाम से ही यहाँ पर जानते हैं, लेकिन इस घाट का मेन नाम जो है श्री हंस पावन घाट भी है। इसी के जस्ट जो घाट जुड़ा हुआ है ये देख सकते हैं, ये है श्री महाराजा अग्रसेन घाट। तो आइए करते हैं इस घाट के सुंदर दर्शन। यहाँ पर सबसे पहले जो है राइट हैंड पर आप महादेव जी के दर्शन कर सकते हो। जय शिव शंभू। कमेंट में हर हर महादेव जी से बोले जय शिव शंभू।
ये चीज़ जो है इधर नई बनाई गई है। देखिए आप यहाँ से चढ़कर जो है माँ गंगा मैया के सुंदर दर्शन कर सकते हो। देखो तो मैंने आपको एक एक करके दर्शन कराए हैं, पहले चौधरी चरण सिंह घाट के और फिर उसके बाद खन्ना नगर घाट के और उसके बाद प्रेम नगर घाट के, उसके बाद श्री महाराजा अग्रसेन घाट के मैंने आपको दर्शन कराए। आशा करता हूँ आज के ये घाट के दर्शन आपको अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर ये दर्शन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक जरूर से करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको और ये दर्शन आपको कैसे लगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, पतित पावनी माँ गंगे, हर हर गंगे।